आज तो ये सोचना या इमेजिन करना भी मुमकिन नहीं है, लेकिन एक बार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के म्यूजिकल इतिहास में एक अनहोनी हो चुकी है। द ग्रेट किशोर कुमार एंड द ग्रेट आशा भोसले को किसी ने एक बार गाना गाते वक्त म्यूजिक रूम से बाहर निकाल दिया था। वो कौन थे, वो गाना कौन सा था, वो फिल्म कौन सी थी, मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। मेरा नाम है राहुल, दिस इज 70mm विथ राहुल। ये बात है एक ऐसी फिल्म की जो 1950 में रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था जान पहचान, स्टारिंग राज कपूर साहब एंड नरगिस जी। और क्योंकि आप लोगों ने मुझसे कई बार पूछा है कि फिल्म के शूट होने का और रिकॉर्ड होने का, गानों का क्या प्रोसेस होता है, तो बहुत ही सिंपल होता है। नॉर्मली पहले गाने रिकॉर्ड होते हैं, फिर फिल्म की शूटिंग होती है, और शूटिंग के दौरान एक्टर्स उन्हीं गानों पर अपनी आवाज़ को लिप सिंक करते हैं, और फाइनली वो फिल्म जाके रिलीज होती है। ये फिल्म जान पहचान जो 1950 में रिलीज हुई थी, इसके गाने दो साल पहले 1948 में ही रिकॉर्ड हो गए थे। और ये इंसिडेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 1948 का है। फिल्म जान पहचान के म्यूजिक डायरेक्टर थे खेमचंद प्रकाश, जिन्हें असिस्ट कर रहे थे उस फिल्म में मन्ना डे। इस गाने की रिकॉर्डिंग के लिए शाम 7 बजे किशोरदा और आशा जी को स्टूडियो में बुलाया गया था। माइंड यू, ये 1948 की बात हो रही है, उस समय सोफिस्टिकेटेड रिकॉर्डिंग स्टूडियोज नहीं थे। जहां शूटिंग होती थी वहीं पर ही गानों की भी रिकॉर्डिंग करी जाती थी, और क्योंकि दिन भर शूटिंग होती थी और गानों को तो बाद का प्रेफरेंस मिलता था, तो शाम का टाइम दिया गया था किशोरदा और आशा जी को उस जगह पर आने के लिए। किशोरदा और आशा जी टाइम के मुताबिक 7 बजे तक स्टूडियो पहुंच गए, और उसके बाद दोनों ही म्यूजिक डायरेक्टर खेमचंद प्रकाश जी के साथ गाने की रिहर्सल में जुट गए। किसी भी गाने की धुन को सोचना, ये एक म्यूजिक डायरेक्टर का काम होता है। उस धुन पर अपनी आवाज को बिठाना, ये सिंगर्स का काम होता है, और उस आवाज को माइक्स के या माइक्रोफोन के जरिए कैप्चर करना, मशीनों के जरिए उसे टेप्स पर रिकॉर्ड करना, उन मशीनों को संभालना, ये एक साउंड रिकॉर्डिस्ट का काम होता है, या यूं कहें साउंड रिकॉर्डिस्ट का काम होता था, क्योंकि आजकल गाने टेप्स पर रिकॉर्ड नहीं किए जाते। फिल्म जान पहचान के म्यूजिक डायरेक्टर खेमचंद प्रकाश की धुनों को कैप्चर करने के लिए उस शाम साउंड रिकॉर्डिस्ट थे रॉबिन चैटर्जी। हिंदी फिल्मों में एक लंबी लिस्ट है उन फिल्मों की जहां उन्होंने एज अ साउंड रिकॉर्डिस्ट काम किया है। उस शाम रॉबिन चैटर्जी को थोड़ा टाइम लग गया सारा टेक्निकल सेटअप करने में गाने की रिकॉर्डिंग के लिए। सिंगर्स तो शाम 7 बजे आ चुके थे, किशोरदा एंड आशा जी दोनों ही मौजूद थे, लेकिन रॉबिन चैटर्जी 12 बजे तक ही तैयार हुए गाने की रिकॉर्डिंग के लिए। सो फाइनली रात के 12 बजे शकील बदायूनी साहब का लिखा हुआ वो गाना आशा जी और किशोरदा ने रिकॉर्ड करना शुरू किया। अरमान भरे दिल की लगन तेरे लिए है, हो लगन तेरे लिए है, हो लगन तेरे लिए है। नगरी मेरे जीवन की सजन तेरे लिए है, हो सजन तेरे लिए है, हो सजन तेरे लिए है। अब आप ये सोच रहे हैं कि हमने तो ये गाना तलत साहब और गीता दत्त जी की आवाज में सुना है, तो आशा जी और किशोरदा कहाँ गए? वेल, शुरू तो किया था उन्होंने गाना रिकॉर्ड करना, लेकिन ख़त्म नहीं कर पाए। जब गाना थोड़ा सा ही रिकॉर्ड हुआ था, बस रिकॉर्ड होना शुरू ही हुआ था, तो अंदर रिकॉर्डिंग रूम में बैठे थे रॉबिन चैटर्जी। वो वहाँ से दौड़ते हुए आए और रिकॉर्डिंग बीच में ही रुकवा दी। उन्होंने उसके बाद सबके सामने, खेमचंद प्रकाश थे सबके सामने इसलिए क्योंकि वो एक नॉर्मल स्टूडियो नहीं था, जैसा कि मैंने कहा आजकल के पॉश स्टूडियो जैसा नहीं था, एक खुला स्टूडियो था जहां दिन में फिल्मों की शूटिंग होती थी और रात में गानों की रिकॉर्डिंग। तो उसी ओपन स्टूडियो में सबके सामने रॉबिन चैटर्जी ने खेमचंद प्रकाश साहब से कहा कि खेमचंद, ये सिंगर्स अच्छे नहीं हैं, इनको हटा दो और इन गानों को किसी अच्छे प्लेबैक सिंगर से रिकॉर्ड करवाओ।
ये सुनना था और किशोरदा और आशा जी ने एक दूसरे को देखा और उसके बाद तुरंत ही माइक छोड़ दिया और स्टूडियो से तुरंत बाहर निकल गए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कैसे एक साउंड रिकॉर्डिस्ट रॉबिन चैटर्जी की इतनी हिम्मत हो गई कि किशोर कुमार और आशा भोसले की गायकी पर उंगली उठाएं, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये 1948 था। ये वो वक्त था जब दोनों ही, किशोर कुमार और आशा भोसले, फिल्म इंडस्ट्री में नए नए आए थे, स्ट्रगल कर रहे थे। इनफैक्ट 1948 तक तो फिल्म महल भी रिलीज़ नहीं हुई थी और आएगा आने वाला भी हिट नहीं हुआ था और लता मंगेशकर का नाम भी LP रिकॉर्ड्स पर नहीं आया था। यानी कि प्लेबैक सिंगर्स की कुछ ख़ास पूछ नहीं थी जब ये इंसिडेंट हुआ। एक और रीज़न भी था कि क्यों रॉबिन चैटर्जी की बात को इतना वजन दिया गया, क्यों म्यूज़िक डायरेक्टर खेमचंद प्रकाश ने उनको अपोज नहीं किया। एक और रीज़न भी था, रॉबिन चैटर्जी ने अपनी लाइफ में एक ही हिंदी फिल्म प्रोड्यूस की थी और वो थी जान पहचान। यस, कैन यू बिलीव इट, वो जान पहचान के प्रोड्यूसर भी थे और प्रोड्यूसर तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भगवान होता है। लेकिन यार, समय बहुत बलवान होता है, कब किसकी किस्मत बदल दे, यू नेवर नो। किशोर कुमार एंड आशा भोसले का करियर धीरे धीरे इस इंसिडेंट के बाद टेक ऑफ कर गया। वो दोनों तो ऊपर चले गए, लेकिन हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट रॉबिन चैटर्जी वहीं रह गए। साउंड रिकॉर्डिंग करते 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 एक दिन एक ऐसी फिल्म का गाना रिकॉर्ड हो रहा था जहां साउंड रिकॉर्डिस्ट थे रॉबिन चैटर्जी और गाना गाने वाले थे सुपर सिंगर किशोर कुमार एंड उनके साथ आशा भोसले। फिल्म थी 9-2-11 स्टारिंग देवानंद एंड उनकी रियल लाइफ में वाइफ कल्पना कार्तिक। फिल्म 1957 में रिलीज हुई थी। ये इंसिडेंट, यानी फिल्म के गाने रिकॉर्ड हुए थे करीब फिल्म के 1.5 से 2 साल पहले। अब इमेजिन करिए वो वक्त जब किशोर कुमार ऑलरेडी एक एक्टर सिंगर बन चुके हैं, आशा भोसले अब वो न्यू कमर नहीं रही, म्यूजिक डायरेक्टर अब SD बर्मन थे और साउंड रिकॉर्डिस्ट अभी भी रॉबिन चैटर्जी थे, लेकिन अब वो फिल्म के प्रोड्यूसर नहीं थे। फिल्म 9-2-11 में एक डुएट है, आंखों में क्या जी, टना ना 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 ना। वो गाना जब रिकॉर्ड हो रहा था तब पहली बार किशोरदा की नज़र साउंड रिकॉर्डिस्ट पे गई और उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि ये तो रॉबिन चैटर्जी हैं। और किशोरदा को वो पुराना इंसिडेंट याद आ गया, खेमचंद ये सिंगर्स अच्छे नहीं हैं, इनको हटा दो और इन गानों को किसी अच्छे प्लेबैक सिंगर से रिकॉर्ड करवाओ। किसी तरह गाने की रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई और उसके बाद किशोरदा स्टूडियो से बाहर निकलते निकलते रॉबिन चैटर्जी से टकरा गए और बोले कि दादा याद है मैं कौन हूँ, मुझे तो आपने रिकॉर्डिंग से निकाल दिया था। शायद किशोरदा और भी कुछ कहते उनसे, लेकिन आशा जी ने किशोरदा को खींच लिया बाहर और कहा कि दादा छोड़ दीजिए इस मैटर को। ऐसे किस्से फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं होते, आपकी और मेरी ज़िंदगी में भी होते हैं। किसी ना किसी मौके से लोग हमें अक्सर नेगेटिविटी का लड्डू खिलाने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम वो लड्डू ना खाएं। अगर लोग किशोर कुमार और आशा भोसले पर उंगली उठा सकते हैं, उनके टैलेंट को नकार सकते हैं, तो हम और आप क्या हैं। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जा रहा।